हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 में हुई अनियमितताओं को लेकर जिम्मेदार शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का इस्तीफा लिए जाने को लेकर उपखंड अधिकारी के नाम ज्ञापन दिया गया। भाजपा जिला प्रवक्ता ललित बोथरा ने बताया कि पूर्व विधायक तथा प्रदेश कार्य समिति सदस्य जालम सिंह रावलोत, जिला महामंत्री स्वरूप सिंह खारा एवं युवा मोर्चा अध्यक्ष महेंद्र सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। रीट परीक्षा में हुई अनियमितताओं के कारण राजस्थान सरकार द्वारा 26 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। प्रथम पारी का समय प्रातः 10 बजे से 12:30 बजे तक का था तथा द्वितीय पारी का समय दोपहर 2:30 बजे से 5 बजे तक का था, परंतु आश्चर्यजनक रूप से परीक्षा प्रश्न पत्र के प्रति परीक्षा प्रारंभ होने की नियत समय 10 बजे से 2 घंटे पूर्व अर्थात 8 बजे ही कई अभ्यर्थियों को शिक्षा मंत्री के गैर जिम्मेदार कृत्य के कारण सरकारी कर्मचारियों एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई। इसके साथ साथ यह भी उल्लेखनीय है कि कई परीक्षाओं केंद्रों पर प्रेक्षक की नियत समय पर ना पहुंचने के कारण परीक्षा पत्र उन्हें केंद्र पर देरी से दिया गया। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से नकल कराने के मामले भी आम जन के संज्ञान में हैं। सरकार द्वारा कुछ कर्मचारियों के खिलाफ आंशिक कार्रवाई करते हुए यह माना गया है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, परंतु सरकार मात्र आंशिक कार्रवाई करके इतनी नहीं कर सकती, क्योंकि यह मामला 26 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़ा हुआ है तथा पेपर लीक एवं नकल के गंभीर आरोप सरकारी कर्मचारियों व कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लग रहे हैं। उक्त मामले की निष्पक्ष जांच सीबीआई के माध्यम से करवानी अति आवश्यक है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के कार्यकाल में पूर्व में भी कई बार भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताएं पाई गई हैं। अपने परिवारजनों को नौकरी लगाने के लिए आम युवाओं का भविष्य खराब कर देने की बात सभी के सामने है। उक्त बातों को लेकर राजस्थान के युवाओं में भयंकर रोष व्याप्त है। इन सभी मांगों को लेकर पूरे राजस्थान में भाजपा के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन के माध्यम से परीक्षा में हुई अनियमितताओं की सीबीआई से जांच करवाने, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने तथा परीक्षा को निरस्त कर विसंगतियों को दूर करते हुए भविष्य में पुनः परीक्षा आयोजित करने की मांग की है। भाजपा जिला प्रवक्ता ललित बोथरा ने बताया कि उक्त ज्ञापन में पूर्व विधायक एवं प्रदेश कार्य समिति सदस्य जालम सिंह रावलोत, युवा प्रभारी जितेंद्र सिंह राठौड़, जिला महामंत्री स्वरूप सिंह खारा, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह राजपुरोहित, जिला मंत्री अनीता चौहान, जिला प्रवक्ता ललित बोथरा, नगर परिषद प्रतिपक्ष नेता पृथ्वी चंडक, रमेश सिंह इंदा, चंपन सिंह भंवरिया, खुमान सिंह, आनंद पुरोहित, नरपत सिंह, धारा गौरव खत्री, गोपाल सिंह, धन सिंह, विक्रम सिंह, सुरेश ठाक सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकरा मेघवाल की रिपोर्ट।